और दोस्तों कैसे आप, मेरा नाम है अरुण प्रभु देसाई, ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 101 में आपका स्वागत है। जी हाँ, कल ही कंप्लीट हो गए हमारे 100 एपिसोड्स और आज का है 101। जी हाँ, ज्यादा वक्त नहीं जाया करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज, साथ में हमारा टेक्नोलॉजी फन फैक्ट जो बहुत ही मजेदार है आज। तो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमारे वीडियोस मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। और इस वीडियो के फीचर्ड कमेंटर है स्टीव वाज। दोस्तों जिस दिन जियो ने उनका पोस्टपेड लॉन्च कर दिया था, उस दिन मैंने कहा था कि बाकी के टेलीकॉम ऑपरेटर्स की हालत खराब होने वाली है, और वैसे ही हुआ। जी हाँ, जियो का पोस्टपेड लॉन्च होने के बाद आइडिया और एयरटेल, इनके जो शेयर्स हैं वो कुछ 12% तक घट गए मार्केट में। आइडिया का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो गिर गया 3,000 करोड़ से भी ज्यादा से, और एयरटेल का गिर गया 10,000 करोड़ से ज्यादा। इतना उनका वैल्यूएशन गिर गया सिर्फ एक जियो पोस्टपेड की वजह से। और ये क्यों? क्योंकि अभी तक बहुत पैसा कमाते थे बाकी के टेलीकॉम ऑपरेटर्स पोस्टपेड के थ्रू और इंटरनेशनल कॉलिंग के थ्रू, लेकिन अब जियो ने वो सब प्राइजेस नीचे ला दिए हैं और अब होने वाले हैं प्रॉब्लम्स। और अब ये भी होगा कि टेलीकॉम, बाकी के जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको भी रेट्स कम करने पड़ेंगे दोस्तों। और ये एप्पल कंपनी के क्या कहने, हर एवरी क्वार्टर ओवर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर वो इतने फोन्स बेचते हैं और इतने आईपैड्स बेचते हैं और बाकी सब भी बेचते हैं और इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं कि अब ये जो कंपनी है वर्ल्ड सबसे ज्यादा वैल्यूड कंपनी तो है ही, और उनका जो वैल्यूएशन है वो पहुंचने वाला है $1 trillion तक। $1 trillion अभी कुछ 950 billion के करीब है, लेकिन बहुत ही जल्दी $1 trillion तक पहुंचेगा। ये पहली कंपनी होगी जो 1 trillion पे पहुंची है। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस पिछले 3 महीने में एप्पल ने बनाए $48.5 billion के प्रॉफिट्स। अगर आप कंपेयर करेंगे अमेजॉन से, जो एक बहुत दूसरी बड़ी कंपनी है, उन्होंने इंसेप्शन से मतलब पिछले 20 साल में कुछ 10 बिलियन प्रॉफिट बनाए हैं। सोचिए कितना ज्यादा प्रॉफिट सिर्फ 3 महीनों में एप्पल ने कमाया है। और ये क्यों? क्योंकि आप वो महंगे वाले आईफोन्स खरीदते हो इसलिए। दोस्तों 13 से 16 तारीख तक फ्लिपकार्ट का आ रहा है बिग शॉपिंग डे सेल। जी हाँ, ये मैंने न्यूज आपको एक दो दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन अमेज़न पीछे कैसे रहेगा? उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है उनका अमेज़न समर सेल, वो भी 13 और 16 के बीच में ही है, और वो भी देंगे बहुत सारे ऑफर्स आपको साथ में, नो कॉस्ट ईएमआई, एक्सचेंज ऑफर्स, और स्मार्टफोन्स पे बहुत अच्छे डील्स हैं, जैसे ऑनर 7X पे बहुत अच्छी डील है, मोटो जी 5S प्लस इसके ऊपर डील है, और ऐसे बहुत सारे फोन्स हैं, सैमसंग का भी ऑन 7 प्रो या ऑन 5 प्रो उसके ऊपर भी डील्स हैं। ऐसे बहुत सारे डील्स दे रहा है अमेज़न का समर सेल। देखते हैं शॉपिंग डे सेल जीतता है या समर डे सेल जीतता है, आप बताइए कौन ज्यादा अच्छा करेगा। और दोस्तों बहुत महीनों के बाद न्यूज आ रही है ब्लैकबेरी से। जी हाँ, फाइनली 7 जून को न्यूयॉर्क में लॉन्च कर रहा है ब्लैकबेरी Key 1 2। जी हाँ, पिछले साल उन्होंने लॉन्च किया था Key 1 और उसका सक्सेसर है Key 2। इसमें भी आएगा फिजिकल कीपैड। जी हाँ, सॉफ्ट टच कीबोर्ड नहीं होगा, फिजिकल कीबोर्ड होगा, और अच्छे स्पेसिफिकेशन है, ठीक ठाक है। प्रोसेसर के बारे में पता नहीं है, लेकिन उसकी जो स्क्रीन होने वाली है वो है 4.5 इंच FHD स्क्रीन होगी, 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, 128GB स्टोरेज ऐसे वर्जन आएंगे, डेडिकेटेड स्टोरेज SD कार्ड स्लॉट होगा इसके अंदर, 3360mAh की बैटरी है, प्रोसेसर जैसे मैंने कहा पता नहीं है कौन सा है, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक होने वाला है। ज्यादा दूर नहीं है, जून 7 को पता चल जाएगा कि भाई ब्लैकबेरी का ये Key 2 कैसे होगा। सिर्फ एक ही चीज है, उन्होंने प्राइसिंग, अगर जब ग्लोबल लॉन्च करेंगे या फिर इंडिया में भी आएगा, फिर यूएस में भी आएगा, प्राइसिंग उन्होंने ठीक करनी चाहिए, तो जरूर ब्लैकबेरी के बहुत सारे फोन्स बिकेंगे। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि सैमसंग लॉन्च कर रहा है 4J सीरीज के अलग अलग फोन्स इंडिया में इसी महीने में, बाय द एंड ऑफ द मंथ। वो 4 जो है वो जे सीरीज के नहीं है, 2J सीरीज के फोन्स होने वाले हैं और 2A सीरीज के, बेसिकली A6 और A6 प्लस, और जे सीरीज के अभी तक पता नहीं मॉनिकर कौन सा होगा, मतलब नाम क्या होगा जे सीरीज का। लेकिन ये जो फोन्स है दोस्तों, जो ए सीरीज के फोन है वो होने वाले 20,000 से 25,000 तक, और जो जे सीरीज के फोन होने वाले हैं 2, वो होने वाले हैं 15,000 से 20,000 तक। और इनमें आएंगे इन्फिनिटी डिस्प्ले, सुपर एमोलेड स्क्रीन, डुअल कैमरास भी आने वाले हैं, अच्छे प्राइसिंग पे आने वाले हैं। ओवरऑल शाओमी को कम्पीट करना चाहते हैं सैमसंग ए सीरीज और जे सीरीज के फोन्स के साथ।
देखते हैं जब आएंगे तब। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये जो फोन्स हैं वो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है, उनकी जो नोएडा की फैसिलिटी है उसमें बन रहे हैं। जब आएंगे सारे डिटेल्स जरूर हम आपको देंगे। और दोस्तों फेसबुक की तरफ से एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। जी हाँ, ऐसे कहा जा रहा है कि फेसबुक लॉन्च कर रहा है उनका खुद का क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, इनफैक्ट उन्होंने एक ब्लॉकचेन डिवीजन नाम का एक नया डिवीजन बना दिया है और बहुत सारे लोग उसके अंदर ले रहे हैं फेसबुक। और वो क्या करना चाहते हैं इसके साथ, बेसिकली ये जो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी होगी वो अनेबल करेंगी आपको पेमेंट्स करने के लिए। आपको मालूम है कि फेसबुक के 2 बिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं और बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं फेसबुक पे। तो इसके आगे दोस्तों एक बार ये फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी आ गई तो आप जो पेमेंट करेंगे वो ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड होगा, मतलब बहुत ही सिक्योर होगा। और दोस्तों कुछ दिनों पहले शाओमी ने उनके क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किए थे 2 प्रोडक्ट्स और वो देख रहे थे कि इंडियंस कितने इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और इसलिए उन्होंने अब लॉन्च कर दिए हैं 2 नए एक्सेसरीज mi.com के ऊपर। वो है मी ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर और मी ब्लूटूथ सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड। जी हाँ, ये दोनों भी बहुत ही अच्छे एक्सेसरीज हैं और आप खरीद सकेंगे mi.com वेबसाइट के ऊपर से। सेल्फी स्टिक की कॉस्ट कुछ 1000 रुपये या 1050 रुपये है और ऑडियो रिसीवर की कॉस्ट उससे भी कम है, कुछ 500-600 रुपये है, मुझे ठीक तरह से नहीं मालूम है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये दोनों भी जो एक्सेसरीज है वो अवेलेबल है mi.com के ऊपर, आप जाके खरीद सकते हैं। और दोस्तों अब वक्त हो गया हमें ट्रैक इन टेक टेक्नोलॉजी फन फैक्ट का। जी हाँ, आज के जो फन फैक्ट है वो है रोबोट्स के अराउंड। जी हाँ, किसी किसी को बहुत डर लगता है रोबोट्स के बारे में, किसी कोई बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं आपको, जापान में एक ऐसी फैक्ट्री है जो कंप्लीटली रोबोट्स पे ही चलती है, मतलब कोई भी ह्यूमन या आदमी उस फैक्ट्री में नहीं है। 30 दिन तक रोबोट्स अपना पूरा खुद से काम करेंगे, किसी की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए कितने एडवांस हो गए हैं ये रोबोट्स। लेकिन दोस्तों रोबोट ये नाम कैसे पड़ा? चेक लैंग्वेज में इसको रोबोटो रोबोटा कहते हैं, रोबोटा। जी हाँ, और अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो फोर्स्ड लेबर या फोर्स्ड वर्क होता है। लेकिन अभी रोबोट फोर्स्ड वर्क नहीं करते, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों सालों के बाद शायद वो हम जो बताएंगे वो भी ना करें। पता नहीं आगे क्या होने वाला है इन रोबोट्स के साथ। और दोस्तों अब वक्त हो गया आज के सवाल का। दोस्तों जो एकदम छोटे से रोबोट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? चलिए, मेडिकल इंडस्ट्री में इन्हें इस्तेमाल करते हैं, ये एक हिंट भी दे दूं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों अब वक्त हो गया है कल के सवाल का जवाब देने का। मैंने पूछा था कि एंड्रॉइड ओएस जब पहले बना था किस चीज के लिए बना था, और बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया और सही जवाब है कैमरा, डिजिटल कैमरा के लिए एंड्रॉइड ओएस बना था। लेकिन लोगों को इतना अच्छा लगा कि वो स्मार्टफोन पे आ गया और आज 95% स्मार्टफोन्स पे एंड्रॉइड। तो दोस्तों आज का हमारा ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 101 इधर ही समाप्त होता है। अगर ये अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।